नमस्कार। दादी की कहानियों में आप सबका स्वागत है। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है शेर और खरगोश की लड़ाई की कहानी। सुनिए, बहुत पुरानी बात है, एक जंगल में बहुत खूंखार शेर राज किया करता था। राजा होने के कारण वह शेर जंगल के बाकी सारे जानवरों पर हमेशा धौंस जमाता था और उनका शिकार करके उन्हें खा जाया करता था। कई बार वह एक या दो नहीं बल्कि कई जानवरों को मार दिया करता था। इस बात से जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान थे। उन्हें डर लगता था कि इस तरह एक दिन शेर जंगल के सारे जानवरों को खा जाएगा। इस बात का हल निकालने के लिए सभी जानवरों ने फैसला किया कि वो जाकर शेर से बात करेंगे और उसे समझाने की कोशिश करेंगे। इस फैसले के बाद हिम्मत करके दूसरे दिन सभी जानवर शेर के पास गए। शेर अपनी गुफा में आराम कर रहा था। उन सभी के आने के कारण उसकी नींद खुल गई। उन सभी को एक साथ देखकर शेर गुस्से से बोला, तुम सभी यहाँ एक साथ क्यों आ गए हो? मैंने कोई दावत रखी है क्या? इस बात पर जानवर दल का सरदार बोला, महाराज, हम सभी यहाँ आपसे एक विनती करने आए हैं। दरअसल आप जब भी शिकार पर निकलते हैं तो एक साथ कई जानवर मार देते हैं, जिनमें से कई को आप खा भी नहीं पाते। आपके ऐसा करने से हमारी संख्या लगातार कम होती जा रही है और आपकी प्रजा छोटी होती जा रही है। अगर यूं ही चलता रहा तो एक दिन आपके राज्य में एक भी जानवर नहीं बचेगा और जब प्रजा ही नहीं रहेगी तो राजा भला किस पर राज करेगा। इसलिए आपको सदैव अपना राजा बनाए रखने के लिए हमने आपके भोजन का इंतजाम करने के लिए योजना बनाई है। हमारा सुझाव यह है कि आप शिकार पर ना निकला करें बल्कि हम खुद रोज़ एक जानवर आपकी गुफा में भेज दिया करेंगे। इस तरह रोज आपका भोजन भी हो जाएगा, आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आपकी प्रजा को भी राहत मिलेगी। शेर को जानवरों की योजना सही लगी और उसने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारा सुझाव मंजूर है, लेकिन एक बार का ध्यान रखना, अगर किसी दिन मेरा भोजन आने में देर हुई या भोजन कम हुआ तो मैं जितना चाहूं उतने जानवरों को मार डालूंगा। जानवरों ने उसकी बात पर सहमति जताई और वापस अपने घर को लौट गए। उस दिन के बाद से हर रोज एक जानवर शेर की गुफा में टाइम से पहुंच जाता और शेर उसे मारकर अपना भोजन बना लेता। यूं ही चलते चलते एक दिन खरगोश की बारी आई। खरगोश बहुत छोटा था लेकिन चतुर भी था। उसने सोचा कि रोज शेर के हाथों एक जानवर मारा जा रहा है, यह तो गलत है। इस परेशानी का समाधान करने के लिए उसने सोचा कि कोई चाल या कोई युक्ति निकालनी पड़ेगी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वह धीरे धीरे घूमता फिरता शेर की गुफा तक पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि शेर गुस्से से आग बबूला हो रहा है। शेर ने जैसे ही खरगोश को देखा उसका गुस्सा बढ़ गया और वह दहाड़ कर बोला, तुम जरा से खरगोश मेरे पेट भरने आए हो और ऊपर से इतनी देरी से आए हो। पता है मुझे कितनी जोर से भूख लगी है? कहाँ मर गए थे और तुमसे मेरा पेट कैसे भरेगा? शेर को तिलमिलाया हुआ देखकर खरगोश बोला, महाराज, मैं आपकी सेवा में अकेला नहीं आ रहा था बल्कि मेरे साथ मेरे 5 साथी और भी थे, लेकिन महाराज रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया जो हमें खाने की जिद करने लगा। वह मेरे साथियों को मारकर खा गया। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ आया हूँ। यह सुनकर शेर और गुस्सा हो गया। वह बोला, एक और शेर,
कौन है वह और मेरे जंगल में क्या कर रहा है? यहाँ का राजा तो सिर्फ मैं हूँ। खरगोश ने कहा, महाराज वह बहुत बड़ा शेर है और जब मैंने उससे कहा कि तुम हमारे महाराज का भोजन खा रहे हो तो वह बोला, आज से मैं तुम्हारा महाराज हूँ और मेरे अलावा इस जंगल में कोई और शेर नहीं रह सकता। मैं सबको मार डालूँगा। फिर आपको लड़ाई के लिए ललकारने के लिए उसने मुझे यहाँ भेज दिया। अच्छा, ऐसी बात है, तो मैं भी तो देखूँ कि ये शेर कौन है, तो जो मेरे जंगल में आकर मुझे ही ललकार रहा है। ले चलो मुझे उसके पास, शेर ने गरज कर बोला और खरगोश के साथ चल दिया। खरगोश उसे जंगल के बीच मौजूद एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज वो इस गड्ढे के नीचे गुफा में छुपा बैठा है, आपको आता देख शायद वह अंदर घुस गया है डर के मारे। दूसरे शेर को देखने के लिए जैसे ही शेर ने कुएं में झांका तो उसे अपनी परछाई दिखाई दी और उसने समझा कि वह दूसरा शेर है। इसके बाद उसने दूसरे शेर को ललकारने के लिए जब दहाड़ मारी तो उसी की दहाड़ गूंज कर दोबारा उसको सुनाई दी, लेकिन उसे लगा कि वह दूसरा शेर भी उसे कुएं के अंदर से ललकार रहा है। बस इतने में शेर को बहुत ज़बरदस्त गुस्सा आया और उसने कुएं में छलांग लगा दी। छलांग लगाते ही शेर कुएं के दीवार से टकराया और पानी में गिरकर मर गया। यह खबर जब जंगल के बाकी जानवरों को मिली तो वो लोग बहुत खुश हुए और खरगोश की जय जयकार करने लगे। अब इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी दिमाग शांत रखने से हम हर कठिनाई को आसानी से सुलझा सकते हैं। धन्यवाद।